वेलकम टू न्यू वीडियो। माइकल को शेरा ने किडनैप करके शहर से बाहर लिया है और इधर माइकल के साथ वो क्या करेगा देखिए आज के एपिसोड में। मैं तेनों पहले दिन तो आख्या सी जेड़े दिन असा तेनों किडनैप किया सी कि शेरा है वहां। मैं शेरा मेरे नाल पंगा लेना अच्छी गल नहीं है, समझ आई आ? असी वे तेन कितने इस टाइम लैंदा इतने तेन असा मार के सट जाइए, किसे नहीं पता लगना तेरे की होया, सर मार तेन दरिया ही सट देना, समझ आई आ? इस वास्ते जी गल पे आने चुप करके सुन लिया हाड़ी गल तो एवें बंद पंगे ना लिया कर, समझ आई आ ना? ओ भाई शेरा सॉरी यार, मेरी गलत सुनो यार, बात सुनो, मुझे मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपका क्या किया जो आप मुझे किडनैप कर कर इधर ले आए, अभी बोल रहे हो मुझे मार देना है, दरिया में फेंक दोगे मार के, मैंने किया क्या भाई? आप बता रहे नहीं है मुझे हुआ क्या है, अगर बोलोगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना क्या हुआ। मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया यार। उस्ताद शेरा दो मिनट मैनू दे, बंदा जड़ा ना इन मैं लित्तर मारांगा ना, सीधी गल करेगा, सिर्फ सीधी गल। नहीं नहीं नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, चुप करके बैठ जा, कुछ भी नहीं करेगा, मैं खुद जिससे बात करूंगा, मुझे बात करने दो, ठीक है? दो मिनट सब्र रखो, बाद में तुम्हारी भी बारी आएगी। बात सुन माइकल, सीधी सी बात करने वाला तुमसे, ठीक है ना? जो वो बंदा है ना उसने बोला, नाम नहीं उसका बोलना, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें अभी भी पूछ रहा हूँ, आराम से पूछ रहा हूँ। जो जो कोई बंदा तुम्हें काम बोलता है ना ना करो, उसका मतलब है मत करो, ठीक है? प्रॉब्लम पता है कौन सी है बता दो? वो शोरूम जो तुमने लिया, ठीक है, वो शोरूम एक और बंदे ना लेना चाहता था, तुमने वो ले लिया, समझ आइए ना? उधर प्रॉब्लम शुरू है उधर, और बस उठो, उठ जा, अभी बात मेरी सीधी सुन, ठीक है? मैं अभी जो बोल रहा हूँ समझ आइए, तेरे शोरूम की प्रॉब्लम अभी सोच सोच, किसका शोरूम तुमने लिया है, जिससे लिया है उसे वापस दे दो और ख़त्म किए, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा सॉरी शेरा भाई, सच्ची यार मैं दे देता हूँ, वापस मैं दे दूंगा, आप जैसे बोलेंगे। माइकल शोरूम रोले रहा तो तू बच के रहा। शेरा भाई मैंने वैसे शोरूम के पैसे दिए हुए हैं। चल ठीक है, तेरी मर्जी राजू, पकड़ इसे। हाँ शेरा भाई दो मिनट मुझे दे, दो मिनट में देखे से कैसे सीधा करता हूँ, ठीक है? देखियो कि सीधा होता माइकल, गल सुन ला मेरी, ऐवे ना पे आज तेरा हाल करनी है, रुक जा, नहीं समझ आई? नहीं वेख्या ध्यान, ऐवे तेरा भी यही हाल होने, समझ आई आ? तो मैं आराम ना समझाना पा, समझ जाओ गल, पैसे ने तो की पैसे दिते तो की हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है? वो शोरूम जो है ना वापस दे दो, आराम से बता रहा। भाई मैं पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन पैसे वो मुझे नहीं देगा वापस। फिर पैसे की बात कर दिया तुमने, राम से बता रहा हूँ, देखे उनके पास गन भी है यार, मैं तुम्हें राम से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। उस्ताद शेरा गल सुन यार, ये बंदा समझने वाली गल ही गल ही कोई नहीं, मैंने लगता है इनू खड़का दिए, कम खत्म, खड़का के सट देने इतने। उस्ताद मादर है पूछे की पियोंदा, उस्ताद मादर चेक करी ये कौन है उस्ताद? हाँ देखने तो वही देख रहा हूँ, वही इनके पास गन था यार, इधर गन क्या कर रहे हैं, गन लेकर किसी को पकड़ा हुआ है? ओ नहीं यार ये तो माइकल को पकड़ा हुआ है कौन ये? ओ ये शेरा गैंग है यार, शेरा गैंग फंस के यार, अब क्या करेंगे, हम इसे बचा भी नहीं सकते यार इस लौंडे को भी। पता है ना इसका बेटा आया था थाने, कह रहा था किडनैप हो गया इसका बाप, वो यही है इसका बाप यार, इसे हम बचा भी नहीं सकते, ये शेरा गैंग है हमें भी मार देगा ये साला, अभी मुझे समझ नहीं आ रही क्या करें यार, क्या करें, उससे जाकर बता दें उसके बेटे को कि इधर हमने इसको देखा है, मैं तो कहता हूँ यही आइडिया अच्छा है, क्या बोलते हो? हाँ उस्ताद मैंने लगता तेरी कॉल सच्ची है उस्ताद, उन्होंने जाकर दसते हैं अभी तेरे पप्पे ने सा इतने वेख्या तो आपे आके ले लेता जी कुछ करना आया, असा इतने गए ना तो सारे ही मार देना इन्हें शेरे ने, मैं तो ना आइडिया अच्छा चलने मोटरसाइकिल पर जाकर उन्होंने दस देने उस्ताद की आना है, आहो आहो मैं भी यही पाँदा हाँ, जल्दी कर बह, जल्दी आ जा यार बैठ और चले यार, लेट ना हो जाए। आप अरे बात सुनो, मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, पता है ना क्यों यार, ये शेरा बंदा मैं भी क्या बोलूँ, बहुत ही डेंजरस बंदा है यार, जल्दी जल्दी जाकर उसे बता देते हैं, और ये ना इसके डैड को ना फड़का दें, फड़का के इधर ही फेंक दे, फिर इसकी लाश भी नहीं मिलेगी यार, इसलिए थोड़ा जल्दी चला रहा हूँ, ठीक है ना? टेंशन ना तो लें, पीछे बैठे हैं थे बस, आप सही कदा सर बच्चे, आहो बड़े डेंजरस बंदा है, पाँच छः बंदे अगले दिन ने मार सड़े ने पीछे है जे बिला वजह, इन्नी वजह भी कौन सी बड़ी को यार, आंदा मैनू अखा पे घूरते सर, अखा घूरने कड़ी गल है, समझ नहीं आती है बंदे दी, जे बंदे मार देता है, इस वास्ते जल्दी समझाना चाहिए, समझ आई जाए ना, वो चुक के चलाना चाहिए मैं इस पर, चलो पहुँचने वाले हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो सब, ठीक हो ना? आप देख सकते हैं कि मैं इधर शोरूम के सामने हूँ, ठीक है?
प्रॉब्लम ये है कि शोरूम तो खुला हुआ है आज भी, लेकिन डैड का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा सच्ची। और ये देखो अंदर काम वाले भी लगाए हुए हैं, क्यों पता क्या हुआ है, वो अंदर ना यार बारिश हुई है बहुत, तो पानी अंदर आ गया था शोरूम के अंदर, तो उधर से ना थोड़ी सी ना जो थी ना नीचे से टाइलें वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने बोला यार नई टाइलें लगवानी है और नीचे से ना जो ना सही कर दो, तो वो वर्कर दो लगाए हुए हैं, आपको भी दिखाते हैं आज। ये देखें ये लगे हुए हैं इधर, क्योंकि ये जो है ना पानी लीक करके नीचे जा रहा था, पानी इधर खड़ा हो रहा था, तो जो टैलें हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो इधर लगे हुए हैं। चलो अभी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि देखो यार एक गाड़ी इधर खड़ी करनी चाहिए थी, वो गाड़ी इधर खड़ी नहीं हम कर सकते क्योंकि जगह नहीं है, इधर ये काम कर रहे हैं, पूछा तो है अभी बोल रहे थे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अभी पता नहीं कब ख़त्म करते हैं। और शोरूम भी आप देख सकते हैं बहुत बिजी है आज भी, लेकिन प्रॉब्लम वो है यार डैड नहीं मिल रहे, पुलिस को बताया था, पुलिस वाले कुछ नहीं अभी तक बताया, ठीक है कुछ चीज़ नहीं बताई उनके बारे में, और मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, लेकिन शोरूम भी नहीं बंद कर सकता आपको पता है, और इधर काम हुआ किसी किसी को नहीं पता कि जो है ना जिमी का डैड किडनैप हो गया, हमारे काम पर भी किसी को नहीं पता, कुछ जितने वर्कर हैं किसी को नहीं पता, सारे पूछ रहे हैं किधर है डैड, मैं बोल रहा हूँ वो आज इधर नहीं आए, वो मतलब छुट्टी पर गए रिलैक्स कर रहे हैं, मैंने ऐसे बोल दिया, तो शोरूम बंद भी नहीं कर सकते, अगर बंद करें तो वो सारे पूछेंगे क्या हुआ, वर्कर पूछेंगे क्या हो गया क्या हो गया। चलो एनीवे हम इधर जाते हैं, क्योंकि गाड़ी ये सही करने की दी थी, अभी सही हो रही है, बस होने वाली है। हाँ चाचो क्या गाड़ी का गाड़ी हो गया सारी मुकम्मल, अभी नीचे नीचे क्या कर रहे हैं गाड़ी के पीछे से सही हो गई है ना? हाँ जी मैं पिछू हाँ सारी सही कर सकती है, तू अरे पार लग तुम सही हो गई है, बस थलियो ना थोड़ी जी ना थलियो शहर तू ना हिल गई है गड्डी ना आवाज़ आती सी, मैं क्या भी कस दिया ना कोई प्रॉब्लम आ दे, पता ही नवी गड्डी है तो अगे खिलाड़ी शोरूम जी इस वास्ते। अच्छा अच्छा फिर ठीक है चाचू कर दें आप, हाँ सही बात है, क्योंकि ये गाड़ी डैड को भी ना पता चलना चाहिए कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है वो आज नहीं आए, वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गए हैं, ठीक है ये गाड़ी ये मुकम्मल हो गई गाड़ी या इसका कोई काम रहता है? हाँ एक काम हो गया बस देनी है डिलीवरी कर देनी है गड्डी, और बंदे आका सी आ जाएगा 4 बजे के लै जाएगा गड्डी आप पे। अच्छा अच्छा फिर ठीक है मैं समझा अगर डिलीवरी करनी है तो मैं कर देता हूँ, अगर किसी जगह पर दे के आनी है तो मैं दे आता हूँ, लेकिन चलो ठीक है आप बोल रहे हैं चलो ठीक है करें काम। और ये गाड़ी है किधर भी खड़ी है, ये मैं दस से मकैनिक के पास ही कोई लेके आया, गाड़ी बहुत अच्छी है यार गाड़ी चेक करो। चलो हाँ मैं अभी यार मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मेरे दस से टॉयलेट जाना चाहिए मुझे, क्योंकि टॉयलेट जाना है इमरजेंसी है, समझा करो भाई लोग समझते हो ना, ऊपर चलते हैं, टॉयलेट यार नीचे होना चाहिए था वैसे हमारा कि नहीं क्या बोलते हो, ऊपर है दो हैं ऊपर दोनों ऊपर हैं, एक नीचे नहीं एक ऊपर, यार कभी कभी बंदा ऊपर नहीं पहुंच सकता रास्ते में ही, समझा करो लीक हो सकता है यार। और यार ये ऑफिस नहीं है इसका व्यू मुझे बहुत पसंद है, चेक करो यार, एक दिन सब वर्कर्स को इधर लेके आना है ऑफिस में मीटिंग करनी है सबको, हर मंथ के बाद मीटिंग होनी है इधर ही, मीटिंग होगी और चेक करेंगे मतलब कैसा जा रहा है हमारा काम। चलो आप बात सुनो, आप 2 मिनट इधर ही रुको, ठीक है मैं अभी टॉयलेट से होके बाहर आता हूँ, ठीक है। A few moments later. हाँ जी मैं आ गया वापस, चलो अभी मैं दास से फ्रेश फील कर रहा हूँ, पहले किचन में चले कुछ चीज़ खा रहे किचन से, हाँ किचन में चलते हैं यार देखें तो क्या है इधर, कोई चीज़ भी नहीं यार पड़ी इधर, सिर्फ फ्रूट पड़े हुए हैं, फ्रूट तो मुझे पसंद ही नहीं है, फ्रूट मैं खाती हूँ आपको पता है मुझे बर्गर पसंद है, ठीक है इधर चलो ठीक है चलते हैं छोड़ो यार बाद में खाने चलेंगे, ये दोनों इधर ही खड़े रहते हैं यार, इधर को कोई काम नहीं है, चलो छोड़ो पता नहीं डैड ने एक्स्ट्रा बंदे क्यों रखे हुए हैं काम पर, सच्ची यार पैसे ज़ाया कर रहे हैं, मैं भी यार मैं सोच रहा हूँ 2-3 बंदे हैं इधर जिनको मैंने काम से निकाल देना है, सच्ची बात है यार काम ही नहीं कर रहे होते हमेशा खड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं होता वो ऐसे बोल रहे होते हैं, चलो बाहर चलते हैं यार और मैं आपको बाहर से एक चीज़ दिखाता हूँ शोरूम की, ठीक है गल सुनो ये बस अभी पहुँच आए हैं ठीक है, इधर ही यही है शोरूम उनका, यही उसने अपना एड्रेस दिया था, यही है ये लड़का खड़ा हुआ है यार, इसे मैं भी बोल देता हूँ इधर ही रुक तू कि बाइक ऊपर ही बैठ, मैं भी बता के आता हूँ इसे, ठीक है ना इधर रुकना, अच्छा बाइक ऊपर ही बैठ तू। हेलो अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई साहब ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम कैसे हैं आप, सुना ठीक है आप कैसे आए, आपको कोई मिली है इन्फॉर्मेशन मेरे डैड के बारे में, क्या कोई मिल गया आपको वो? हाँ एक मिनट रुके मेरी बात तो सुने, हाँ देखा है यार देखा है, लेकिन जिधर देखा है ना शहर के बाहर थे वो ठीक है,
और उधर वो बहुत ही डेंजरस बंदा है शेर, आपको पता है, वो हमें भी मार देता। हम उधर से भाग के आ गए, आप खुद जाएं और उन्हें बचा सकते हैं। तो वो शहर के बाहर है, ठीक है, मैं आपको अभी ना लोकेशन सेंड कर देता हूँ वो किधर है, ठीक है, और आप खुद जाके ले आएँ। हम तो उसे लेकर नहीं आ सकते, आपको पता है शेरा कितना डेंजरस है, ठीक है। हम चले भाई, आपको ये बता चला, किसको बताना ना, हमने आपको बताया, ठीक है। रुको रुको, आप पुलिस वाले हो यार, आपने उनसे लेकर आना है। आप क्या बोल रहे हो भाई, आप क्या बोल रहे हो, आपने लेकर आना है यार।